फस गई ओए ओए होए 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 ओए होए 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 ओए यार कौन है किंग है यार ये जो भी है ना बेचारा रुल गया अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दानिश गुलजार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीजी चौधरी। अभी तो मैं बिल्कुल खामोश हूँ, असल में वजह यह है कि सामने से आ रही है मट्टी और जब मैं बोलूँगा तो मट्टी मेरे मुंह में चली जाएगी, तो इसी वजह से खामोश हूँ। और इस वक्त चोलस्तान डेजर्ट एरिया में हम घूम रहे हैं जीप रैली के दौरान अपनी गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी की छत पर बैठा हूँ ताकि अच्छी तरह से नज़ारे और वीडियोग्राफी कर सकूँ। ये देख रहे हैं मट्टी किस तरह से मेरे मुँह के ऊपर आ रही है। एक्चुअली जो भी गाड़ी आगे से गुजरती है तो उसकी मट्टी सारी चेहरे पे आएगी। ये देखिए लोग जगह जगह पे रुक रहे हैं एंजॉय करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं, ये जगह आप सामने देख रहे हैं ये बिल्कुल जंगल है, आसपास आपको कहीं पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। रियल जंगल डेजर्ट, चोलस्तान का डेजर्ट, कितनी खूबसूरत लाजवाब जगह है, कितना प्यारा एटमॉस्फेयर है। जिधर तक नज़र जाएगी आपको जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और रेत के टीले बड़े बड़े नज़र आएंगे। बहुत ही अमेजिंग व्यू, बहुत ही अमेजिंग व्यू। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैक की तरफ, ये ड्राइवर से आगे आएगा ट्रैक, तो उधर जाएंगे। ये ड्राइवर से तकरीबन आ जाता है 15 किलोमीटर के फासले पे। ये 15 किलोमीटर का रास्ता उधर है फिनिशिंग पॉइंट, फिनिश पॉइंट पे हम रुकेंगे और उससे कुछ आगे जाके हम लोग जो देखेंगे एक दो बल आ रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ टर्न लेती हैं और बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे आते हैं, तो वहाँ जाके कुछ देर स्टे करेंगे और उधर गाड़ियों का आखिरी जो मार्का होता है उसे देखेंगे। कंप्लीट ब्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए किस तरह से ऑफ रोडिंग कर रही है हमारी गाड़ी और क्या क्या नज़ारे आते हैं, हमारे साथ रहिए इसमें। और अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसे देखिए कंप्लीट वीडियो चोलस्तान जीप रैली की। अगर आपको मज़ा आए तो ज़रूर देखिएगा, नज़ारे देखिए जंगल के, जंगल में मंगल। ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये असल में घर नहीं है बल्कि फार्म हाउसेज हैं। जिन लोगों की इधर ज़मीन आत हैं उन लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन आत में बड़े बड़े फार्म हाउसेज बनाए हुए हैं जहाँ पे अक्सर आउटिंग के लिए लोग आते हैं, रहते हैं, स्टे करते हैं। तो अच्छी जगह है और ये होना भी चाहिए।